आपने क्या किया था अधर्म वो आपको शायद याद नहीं है, लेकिन आपको जो भी मिलेगा वो आपके किए गए पहले के कुकर्मों और अधर्मों, अनीति, ये जो आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो आपने किया था उसी का आपको इस जन्म में अच्छा या बुरा आपको मिलता जाता है। गृहस्थ आश्रम में रह के उसके कुछ धर्म है, ये धर्म उसको मानना पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने बच्चों को देखते हैं और जब हमारे बच्चे हमारे जवानी में या पहले या बाद में किए गए बुरे कर्मों का असर जब हमारे बच्चों के ऊपर हम देखते हैं और अगर हम धर्म को नहीं मानते हैं तो हमारा क्या विनाश होता है। तो मुझे जो ये प्रिविलेज मिला है और आपको जो ये प्रिविलेज मिला है इसका हम कितना सदुपयोग करते हैं, हम कितना माई कर्मा मेरा कर्म करते हैं। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। अब हम लोग चार आश्रम के प्रति जाते हैं, गृहस्थे, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो इसमें क्या क्या है, गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म है? गृहस्थ आश्रम का धर्म है अपनी परंपरा के अनुकूल कार्यों द्वारा जीविकापार्जन करें, सगोत्र तथा असगोत्र समाज में विवाह करें, ऋतुगामी हो, देव, पितर, अतिथि और वृत्तजनों को देकर सबसे अंत में भोजन करें। ब्रह्मचारी, इसका क्या धर्म है? नियमित संध्याध्यन करें, अग्निहोत्र रचें, नित्य स्नान करें, भिक्षाटन करें, जीवन पर्यांत गुरु के समीप रहें, गुरु की अनुपस्थिति में गुरुपुत्र अथवा अपने किसी समान शाखाध्यायी के निकट रहें। वानप्रस्थी का क्या धर्म है? ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमि पर शयन करना, जटा मृगचर्म को धारण किए रहना, अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करना, देव, पितर एवं अभ्यागतों की सेवा पूजन करना, वन के कंदमूल फल पर निर्वाह करना। सन्यासी का क्या धर्म है? जितेंद्रिय होना, वह किसी भी सांसारिक कार्य को ना करें, निष्किंचन बना रहे, एकाकी रहे, प्राण रक्षा मात्र के लिए स्वल्प आहार करें, समाज में ना रहें, जंगल में भी एक ही स्थान पर ना रहता रहे, मन, वचन, कर्म से अपने भीतर तथा बाहर पवित्र रखें। प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम का धर्म है वह किसी भी प्रकार की हिंसा ना करे, सत्य बोले, पवित्र बना रहे, किसी से ईर्ष्या ना करे, दयावान हो, क्षमाशील बना रहे। अपने धर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म का पालन ना करने से वर्ण तथा कर्म में संकरता आ जाती है जिससे लोक का नाश हो जाता है। जिस तरह से आपने पिछले अध्याय में देखा था कि चार वर्ण जो है उन चार वर्णों के धर्म क्या है, किस धर्म पे हमको चलना चाहिए, अगर हम उस धर्म पे पर उस धर्म को मानते हैं तो उससे क्या परिचय मिलता है कि हम किस वर्ण में हैं। इसी तरह से हमने इसमें चार आश्रमों के बारे में और डिटेल से जाना कि उन आश्रम में रहने वालों के धर्म क्या है, उनको क्या मान के चलना है, क्या कर्म करने हैं, किस तरह से उनको जीना है। क्योंकि अगर हम लोग अगर एक फैमिली मैन है जो एक फैमिली के अंदर है तो वो एक गृहस्थ आश्रम के अंदर है, तो गृहस्थ आश्रम में रह के उसके कुछ धर्म है, ये धर्म उसको मानना पड़ेगा। अगर हम धर्म को मानते हैं तब हमें क्या मिलता है और अगर हम धर्म को नहीं मानते हैं तो हमारा क्या विनाश होता है। वैसे आजकल के युग में ये जो कलयुग था लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को देखते हैं और जब हमारे बच्चे हमारे जवानी में या पहले या बाद में किए गए बुरे कर्मों का असर जब हमारे बच्चों के ऊपर हम देखते हैं, उनके अकाल मृत्यु या उनका हैंडीकैप होना या उनका दुख, उन्हें दुख मिलना या बहुत कुछ, तब हम अक्सर बोलते हैं कि हमने क्या पाप किए थे,
हमने क्या गलती की थी, हमारे परवरिश में कुछ गलती रह गई। नहीं, आपने क्या किया था अधर्म वो आपको शायद याद नहीं है, लेकिन आपको जो भी मिलेगा वो आपके किए गए पहले के कुकर्मों और अधर्मों, अनीति, ये जो आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो आपने किया था उसी का आपको इस जन्म में अच्छा या बुरा आपको मिलता जाता है। ये भी एक फैक्ट है कि कलयुग में ये जो मिलना या नहीं मिलना ये भी अक्सर इस तरह से श्राउडेड रहता है, इस तरह से वो ढका रहता है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अक्सर बहुत लोग सोचते हैं जो हम तो इतने अच्छे थे लेकिन क्यों हमें इतना बुरा मिला, या फिर हम देखो वो तो कितना बुरा है लेकिन उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है। हम लोग ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, लेकिन जज करना सही नहीं है। उसको क्या मिला या नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। हमें क्या मिला, हमने क्या किया, तभी देखो मैंने जो अपना प्रथम फिल्म बनाया था उसका नाम रखा था माई कर्मा, मेरा कर्म। ये नहीं जो रास्ते में कोई मर रहा है या फिर कोई खराब ऐसे है या फिर कुछ ऐसे है तो उसका तो खराब है, लेकिन मेरा कर्म क्या है। मैं इस दुनिया में एक आत्मा ने इस शरीर को धारण किया, जब मेरे सारे सेंसेस एकदम परफेक्ट है और मुझे ऐसा फैमिली बैकग्राउंड मिला है, ऐसा मुझे कल्चर मिला है, ऐसा मुझे धर्म मिला है, इतने सारे परफेक्शन, ये सब कुछ मिला है, नहीं भी मिल सकता था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मेरे जैसे अच्छे चीज़ नहीं मिलते हैं। तो मुझे जो ये प्रिविलेज मिला है और आपको जो ये प्रिविलेज मिला है इसका हम कितना सदुपयोग करते हैं, हम कितना माई कर्मा, मेरा कर्म करते हैं, यही हमें आने वाले जीवन में हमें पूर्णतः कंटेंट बनाते हैं, हमें रिग्रेट फ्री बनाते हैं, हमें खुशियों से भर देते हैं, हमें अंदर अंतरात्मा में हमें धनी बनाते हैं, यही सब चीज़ है। तो इसीलिए मैंने सोचा जो ये अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा एक है, और तो मैं तो ये भी चाहता हूँ जो कि मैं योग वशिष्ठ जैसे जो बुक है उसके मेरे ही जो बुक है पीछे रखे हुए इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बुक्स दो पार्ट में, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अकेला इंसान बहुत सारे काम मैं खुद अकेले कर रहा हूँ तो अकेला इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सोच लीजिए मेरा परोपकार है क्योंकि मैंने जो इन किताबों से और इस जीवन से जो इतने कोहिनूर मुझे मिले हैं उन कोहिनूरों को मैं ऐसे ही लेके मर जाऊं, उन कोहिनूरों को तो लोगों को देके जाना है जैसे कि आपकी संतानों को वो मिले और वो उससे लाभान्वित हो और उनको थोड़ा कम खटना पड़े जितना कि मुझे खटना पड़ा इनको लाने में, इनको समझने में, इनको कार्यान्वित करने में। तो मैं ये चाहूँगा जो कि आप मेरा साथ दें, तन से, मन से, धन से, यौवन से, हर तरह से मेरा साथ दें, और हमारा जो लक्ष्य है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, सनातन धर्म के लिए, भारत माता के लिए और आत्मा के लिए, इसको साकार करने के लिए मैं इसीलिए तो आ रहा हूँ आपके पास, ये सब चीज़ों को लेके मैं इसीलिए आ रहा हूँ, तो मैं तो इतने सालों तक चुपचाप कर रहा था, इसीलिए मुझे अभी आना पड़ रहा है और फिर मेरे को इतना प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे, इस ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसमें इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरे दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। यूट्यूब के ज़रिए, इसके एल्गोरिथम के ज़रिए ये सब तक पहुंचेगी, इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर करें।